गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया अपना? एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया था। हाँ दोस्तों, तुम बिजी थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग। चलो अब देखो, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे अपन। दे आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है? लिखो, दे आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट वन स्केलर प्रोडक्ट और सेकंड वन वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखो, क्या आपको पता है ये ए वेक्टर है? टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्या आप जानते हो ये आई कैप जे कैप और के कैप का मतलब क्या होता है? यू नो द मीनिंग ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। जे कैप आई कैप जे कैप कैप का मीनिंग पता है तुम्हें? क्या तुम्हें आई कैप जे कैप और के कैप के मीनिंग का पता है क्या सबको? यू नो आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप मतलब कौन सी डायरेक्शन, जे कैप मतलब कौन सी डायरेक्शन, के कैप मतलब कौन सी डायरेक्शन। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस पे, जे कैप मतलब वाई एक्सिस पे, के कैप मतलब जेड एक्सिस पे। ठीक है, अब देखो मेरे को दो प्रोडक्ट करने हैं, ठीक है? पहले मैं प्रोडक्ट करना सिखाता हूँ आज, फिर अपन इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है? अब देखो, स्केलर प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं कि डॉट है, ठीक है? यानी इसको बोलते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं इसको? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी क्रॉस ये वाला।
ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है ये। तो ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट वन इज स्केलर एंड सेकेंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, तुम जो सिंपल डॉट लिखते हो मल्टीप्लाई करते हो वो नहीं है, ये दोनों प्रोडक्ट तभी होंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर लिखा है मैंने, यानी ये दोनों प्रोडक्ट कब एप्लीकेबल है, जब दोनों आपके पास कौन सी क्वांटिटीज हो, वेक्टर क्वांटिटी हो। सपोज ये ए वेक्टर है, बीच में डॉट लगा दिया, तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, स्केलर प्रोडक्ट। अगर मान लो मैंने लगा दिया ए क्रॉस बी, तो ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ इन दोनों में से, वेक्टर प्रोडक्ट। अब मैंने कहा ए डॉट सी, बताओ ये तीसरा वाला कौन सा, ये कौन सा प्रोडक्ट आपका, स्केलर प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट आपका, वेक्टर प्रोडक्ट। और ये कौन सा है आपका, बताओ ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये कौन सा प्रोडक्ट होगा। कोई बता सकता है ये कौन सा प्रोडक्ट होगा? और सभी बताएंगे कौन सा प्रोडक्ट होगा? वेरी गुड दीक्षिता, कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, वेक्टर ऑफ प्रोडक्ट्स। हमेशा ये डॉट हो चाहे क्रॉस हो, वो किसके बीच में होगा, केवल और केवल वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर, लेकिन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसमें कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं होगा, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, नाइदर स्केलर नॉर, ना तो स्केलर प्रोडक्ट होगा ना ही कौन सा प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत है? ना तो स्केलर होगा ना वेक्टर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब जो तुम सिंपल करते, मैंने कहा कि सिंपल लो साहब, 7.a वेक्टर, तो ये भी सिंपल प्रोडक्ट है, मतलब इसको अपन सिंपल प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंपल प्रोडक्ट, जो तुम 10th तक पढ़ के आते हो, ये भी कौन सा प्रोडक्ट होगा आपका, सिंपल प्रोडक्ट। राइट डाउन फास्ट, अब देखो, अब अपन सीखते हैं पहले प्रोडक्ट करना। ठीक है, अब अपन प्रोडक्ट करना सीखते हैं। सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट करना सीखेंगे अपन, स्केलर प्रोडक्ट। अब देखो, सपोज मैंने कहा कि ये ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, मैंने ये कहा, ठीक है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप लिखना होगा। ठीक है, आपको करना है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ए डॉट बी, तो आप ए को एज इट इज लिख लो, सबसे पहले ए को आप एज इट इज लिख लो, बी को ऐसे लिख लो। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का ध्यान रखो, आई को आई से करना है, जे को जे से करना है, और के को के से करना है। आई को आई से करना है 2 into 1 2, 1 into 2 2, 1 into 1 1, यानी सिंपल प्रोडक्ट हो गया, दो दो जाओ और एक 5। ठीक है, यानी कि आपका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो सबसे सिंपल प्रोडक्ट है। यानी आपको क्या करना है, पहले आई कैप का करना, आई कैप को आई कैप के साथ,
जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ, ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट है। अगर मान लो सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें दूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस टू के कैप, या प्लस ले लो, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। अब आपको करना है ए डॉट बी, क्या करना है आपको, ए डॉट बी करना है, ठीक है। अब ए डॉट बी कैसे करोगे आप, आई को आई से, आई को आई से किया तो वन, जे को जे से है ही नहीं छोड़ दो, के को के से किया नहीं है, के भी नहीं है यहाँ, के नहीं है यहाँ, जे को जे से करेंगे यहाँ जे कितना है, जीरो है, जीरो इंटू वन जीरो, यहाँ पे के है बट इसमें के नहीं है तो जीरो, इसका आंसर आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन और ये फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन समझ में आए हो तो लिख लो फटाफट। चलो अब एक क्वेश्चन करो, निकालो ए डॉट बी। करो सभी, इसका आंसर आएगा टू, कितना आएगा टू, देखो कैसे, आई को आई से किया तो टू आ गया, जे को जे से किया तो माइनस फोर, के को के से किया तो प्लस, खत्म, टू आंसर, ठीक है। अब नीचे लिख लो, स्केलर प्रोडक्ट गिव्स ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी,
स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स स्केलर क्वांटिटी। स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज गिव स्केलर क्वांटिटी। अब देखो नेक्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट, नेक्स्ट लिखो वेक्टर प्रोडक्ट। केवल अभी अपन प्रोडक्ट करना सीख रहे हैं, बाकी बहुत सारी चीजें बाद में भी करेंगे। अभी अपन देखो ये वेक्टर और बी वेक्टर। अब इन दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या करना है आपको इन दोनों का? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का एक तरीका है, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं। पहले मैं तुम्हें सिखाता हूँ यूनिवर्सल तरीका, जो हर टाइप के क्वेश्चन पे लगेगा और शॉर्ट भी होता है। जब क्वेश्चन बड़े से बड़ा है तो आपको ये मेथड लगाना है। अब देखो तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा ऐसा कोई मेथड। देखो ए क्रॉस बी है, सबसे पहले ये मोड बना लो, ठीक है। यहां पे लिखो आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। ये प्रोडक्ट है आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। अब ये हो गया। अब ए क्रॉस बी निकालना है तुम्हें। अब देखो पहले कौन आ रहा है? ए। पहले कौन आ रहा है? ए। और बाद में कौन आ रहा है? बी। अब ए पहले आ रहा है तो वन वन और टू, देख लो ए में वन वन और टू। बी बाद में आ रहा है तो वन थ्री और फोर, ठीक है। ये हो गया आपका आई जे कैप। सबसे पहले आपको मोड लगाना है, आई कैप, जे कैप और के कैप लिखना है, और फिर जो पहले लिखा हुआ है उसके नंबर लिखने हैं आपको, जो बाद में लिखा है उसके नंबर लिखने, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? यहाँ पे आई कैप लेना है, ठीक है। आई कैप के रो और कॉलम दोनों शॉर्ट कर दो, यानी ये समझ में आया? ये और ये शॉर्ट कर देंगे, इसको और इसको शॉर्ट कर देंगे, तो बचा कौन? वन टू और थ्री फोर लिख दो ऐसे। कैसे? सेम कहानी किस साथ करो? जे कैप के साथ। ये तो बचा कौन? सही है, के कैप के साथ ये सही है। सही हो गया आपका आई कैप, जे कैप और आई कैप, जे कैप और कोई प्रॉब्लम इसमें? अब यहाँ पे ऑल्टरनेट लगाओ प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस माइनस और प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। यहाँ तो कोई डाउट? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी मोड लगाएंगे, मोड लगाने के बाद आई कैप, जे कैप, के कैप लिखेंगे। ए का वन वन टू लिख दिया, बी की वैल्यू लिख दी, फिर आई कैप, जे कैप और के कैप को क्या करेंगे आप? शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे इसको? शॉर्ट। शॉर्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आपके पास बचे उस वैल्यू को आपको लिख देना, उस वैल्यू को आपको लिख देना। यहां तो कोई डाउट किसी को? ए और बी, ये ए है ये बी है, मोड लगाओ आई कैप, जे कैप, के कैप लिख दो पहले, फिर ए वेक्टर है तो ए वेक्टर में आई के साथ कौन है, जे के साथ कौन है, के साथ कौन है? वन वन टू, बी के साथ वन थ्री फोर,
फिर आई कैप लो, आई कैप का रो और ये कॉलम शॉर्ट कर दो, भूल जाओ इसको, बचा कौन, 1 2 3 4 बच गया, ठीक है। सेम कहानी किसके साथ करोगे आप, जे के साथ, ये लो इसका रो और कॉलम शॉर्ट कर दिया, बचा कौन, 1 2 और 1 4। ऐसे कहानी किसके साथ करोगे आप, के कैप के साथ। सुमित समझ में आ गया किसने बोला था? विशाल यादव, समझ में आया क्या लिखा है? अब तुम्हारा नो और यस तो मेरे को समझ में नहीं आता क्या लिखा है। ये समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक की स्टेप क्लियर है या नहीं है, लिख दो, समझ आया है समझ नहीं आया, ये लिखो, समझ में आया तुम बोलना क्या चाहते हो। आगे सबको ये देखो, एक स्टेप है, बार बार वही स्टेप रिपीट करनी है अपन को। आई के आई जे के लिख दो, आई जे के लिख दो, ठीक है। आई जे के लिख दो, फिर आई को शॉर्ट कर दो, भूल जाओ कि आई के रो और आई की कॉलम है, बचा कौन, 1 2 3 4 लिख दिया, जे को ये भूल जाओ, के को ये भूल जाओ, तो 1 और 1 3 बच, ठीक है। अब इसके बाद देखो प्लस माइनस और प्लस लिखना है आपको, अल्टरनेट याद रखना है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जैसे तुम 10th में करके आते थे, कि अगर तुमने इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट पहले किया तो हमेशा इन दोनों में ये सेम करोगे ऐसे, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करके तुम करते थे -1 4 4 -6 -j कैप 4 -2 +k कैप 3 -1, क्रॉस प्रोडक्ट करके बीच में क्या लगा दो, माइनस लगा, बीच में क्या लगा दो, माइनस। यहाँ पे क्या बचा, -2 आई कैप, यहाँ पे बचा -2 जे कैप, वहां पे क्या बचा, +2, क्या यही आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी मतलब ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, ये वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा आपको कौन सी क्वांटिटी देता है, वेक्टर क्वांटिटी देता है, कौन सी क्वांटिटी देता है हमेशा आपको, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आ गया क्या समझ में पूरा क्वेश्चन? एक बार लिख लो, एक बार लिखो इस क्वेश्चन को, करो और फिर बताओ मेरे को, फिर और मैं एक आध क्वेश्चन और करा दूंगा तुम्हें फिर। फोर वन फोर, 3 2 जा 6, 4 into 4, 4 into 1 1, -2 into 1 2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन। ये किसने पूछा है? खुशी। चलिए समझ में आ गया मेरे हिसाब से, वेक्टर प्रोडक्ट बहुत काम की चीज है फिजिक्स में। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, अब वो तुम क्वेश्चन करके सभी आंसर बताएंगे मेरे को कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। दे दो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन है मेरा ये, और जो चीज नहीं दे रखी हो, जो चीज नहीं दे रखी हो आप उसको 0 अज्यूम कर लोगे, उसको क्या अज्यूम कर लोगे, जी। निकालो देखें,
आर क्रॉस एफ निकालो, निकालो फटाफट। अगर कोई चीज नहीं है, टफ लग रहा है तो दूसरा दे दूं मैं। अगर ये नहीं कर सकते हो, इसमें प्रॉब्लम आए तो आप ये क्वेश्चन कर लो, मैं तो दे रहा हूं। दो क्वेश्चन है, दोनों में से कोई सा भी करके दिखा दूंगा। फोर आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप करके बता सकते हो, दोनों में से कोई सा भी कर दो, या तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कर दो या क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट, तुम्हारी तो इच्छा है, चॉइस इज योर। जो चीज नहीं दे रखी होती है उसको जीरो मान लेते हैं, अगर साइन दे रखा है तो आप उसको साइन को प्लस और माइनस अज्यूम करोगे, ठीक है, साइन को आपको लेके चलना है। इसका तो आएगा जीरो, इसका आएगा आंसर, मैंने लिख दिया है, यही आंसर आएगा।
-38 के कैप, योगेश -38 के कैप आएगा। और किसी का आया? कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछ लो, वो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। कोई सा भी एक पूछ लो, दोनों क्वेश्चन में से कौन सा एक क्वेश्चन बताऊं, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट आ गया, फर्स्ट तो आ गया ना योगेश के। अच्छा देखो, फर्स्ट वाला समझ में आ गया तो सेकंड वाला भी आ जाएगा। सुमित बोल रहा है फर्स्ट, सुमित सेकंड क्वेश्चन। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन देखो, ये वाला है ना सेकंड, इसी की बात कर रहे हो ना सभी, ये सेकंड जो बोल रहे हैं। देखो आई कैप, जे कैप, के कैप, ए क्रॉस भी निकालना है। पहले कौन है? ए, तो 4 -2 -2, ठीक है। बी, बी बाद में है तो 2 3 1, 2 3 1। अब देखो यहाँ पे आई कैप के साथ कौन आएगा? -2 -2 3 और 1, क्योंकि इसका रो और इसका कॉलम शॉर्ट करोगे। माइनस जे कैप 4 -2 2 1, ठीक है। प्लस के कैप 4 -2 2 3, ठीक है। अब देखो कितना होगा, आई कैप -2 + 6, देखो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, 4 + 4, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या मल्टीप्लाई में? देखो देखा, 4 -2 -2 है, 2 3 और 1 है। ठीक है, अब देखो 4 i कैप -2 -2 2 3 और 1, तो i कैप हो गया -2 -2 -2 -2 +6, माइनस j कैप 4 2 -1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर 0 नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा इसका आंसर, देखते हैं। 0 नहीं आएगा, ये आएगा इसका आंसर, 4 i कैप 8 j कैप 16 k कैप, ये आएगा बेटा इसका आंसर, 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर है इसका, उतार लो।
बेटा 3 2 -6 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा ना, दोनों को माइनस करते हैं सुमित। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज अपन ने सीखा डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट अपन कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट अपन कैसे करते हैं। ठीक है, ये आज की कहानी थी अपनी। तो आज अपन ने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में डिटेल में अच्छे से देख लिया है। अब इसको लिख लो फटाफट से। बेटा अगर तुम आर क्रॉस एफ है, पहले आर को लिखोगे, एफ को बाद में लिखोगे और मल्टीप्लिकेशन ऐसे करोगे, ऐसे ही करना है मल्टीप्लिकेशन, तो -38 आएगा। प्लस भी आ सकता है वो, अगर वो आगे आर क्रॉस, अगर आप एफ क्रॉस आर कर दोगे तो प्लस का 38 आ जाएगा। वो उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी अपनी अगले नेक्स्ट क्लास में, तब समझ में आएगा। लिख लिया सबने? जब उल्टा कर दोगे तो प्लस का आएगा, क्योंकि एक इसकी प्रॉपर्टी होती है ए क्रॉस बी नॉट या इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो +38 -38 में से आ रहा है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लिख लिया सबने? चलो अब तुम जा सकते हो।